ये सब शेयर करिए, आपने क्या हुआ है? हाँ, मेरा ख्याल को स्याही फेंकी है जी, और बाकी आपने, आपने, आप ठीक है सर? आपने काले करतूतों की स्याही फेंक रहे हैं क्योंकि ये गुंडागर्दी है। आप ठीक और गुंडा बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और ना ही हम एक थप्पड़ के जवाब में 10 थप्पड़ मारेंगे, ना ही एक गाली के जवाब में 10 गालियाँ देंगे, बल्कि इमरान खान के सफाई हैं, गुंडागर्दी की तरबियत नहीं देंगे, सियासत करेंगे। वो किसे कोल भी नहीं, तुसी मेरे ते स्याही सुटो, तुसी अपने काले करतूतों की कोई शह भी मेरे ते सुटो, जट का पुत है तुहाड़ी मंजी पीढ़ी उथों तक ठोकांगा कि तुहाड़ियां नस्लां याद रखो, और सफदर की बुढ़ी मरियम नू मेरा अज पैगाम है, वो जिहड़ा यतीम 1500 रुपये महीने ते रखिया होया है, ओदी रंग मरियम नू मेरा अज पैगाम है, अगली बारी इहो जी थकी हुई हरकत कीती ते मैं उत्थे तुहाडे घर दे सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगा। अज तुसी ये स्याही सुट्टी है या आंडे सुट्टे ने, या तुसी अपने जो भी इत्थे डंडे देने ने, तुसी इत्थे गोली मारनी है मॉडल टाउन तरह, मैं पूरी हिक दे जोर दे नाल तुहाडे अगे खड़ा है, हुण मेरा जोर होर भी तेज हो जाएगा, तुसी मैनूं वक्त प्रोवाइड कर दिता है। चीनी चोर, आटा चोर, वोट भी चोर, और रोजाना बकवास टीवी पे करते रहते हैं, और आवाम का खून पीने वाले लोग इनके इंशाल्लाह ताला मैशर के दिन गिरेबान होंगे इनके, और हाथ होंगे अवाम के। लेकिन मैं आज बड़ी बड़ी जुरत के साथ मैंने किया है, और मैं इस पे फख्र महसूस करती, बेशक मुझे इसके लिए जेल भी जाना पड़े, मुझे हो जाए। घर में मेरी आंखों में आंखें डाले ना, मैंने यहाँ घर में भाई है, इधर देखे मेरी आंखों में देखे, चादरों के ऊपर हाथ पड़ा, इधर ये वर्दियां पहन कर और ये सीनों पे सजाके, ये जो है इस्लामाबाद में सब लोगों को पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो बाहर जमा हो रहे हैं। आपको पता था, टॉप ट्रेंड था पाकिस्तान, डी चौक, जो डी चौक को जानता है वो जानता है कि जितनी दूर वो मीनार है उतनी दूर पार्लियामेंट है डी चौक से, और उतनी दूर दूसरी तरफ पार्लियामेंट लाजिद है। मुझे बताएं, इस 100 फुट के 150 फुट के जगह पे जहां हजारों वर्कर आप इकट्ठे हुए नून वाले करने क्या गए थे वहां? अगर तो मैं आज नून के किसी जलसे में गया हूं और मेरे साथ ये हुआ, तो आपका ये तकाबल करना बनता है। मैं तो अदालत में अपनी पेशी पे आया हूं, जो जूता फेंका गया एहसन इकबाल साहब पे, मैंने उसी टाइम उसकी मजम्मत की और वो टेलीविजन पे चलती रही। मैं उसकी आज भी मजम्मत करता हूं, और मैं अपने वर्कर को आज भी कहता हूं कि ना किसी पे स्याही फेंकनी। उस दिन भी कहा हमने अखलाकियात रखनी, ये जो कर सकते करें, इन्होंने ये अपना असल दिखा रहे। ख्वाजा साद रफीक ने, उसके बाप से हमारे तल्लुकात थे, हमारे सामने शहीद हुआ, अकल का मुजाहरा किया, हमें गुलदस्ता भेजा, थैंक यू वेरी मच। मुस्लिम लीग नून ही है मुल्क के अंदर मोटर में बंद देना है, मुस्लिम लीग नून है मुल्क के अंदर बिजली, मुस्लिम लीग नून ही है मुल्क के अंदर मोटर में बंद देना है, मुस्लिम लीग नून है मुल्क के अंदर बिजली। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब,
I didn't even see it. There's nothing that hit me. Later on, I was told that somebody hurled something, but nothing of that sort was visible. But later on, they told me, because around me there were hundreds of people who were my supporters. I think later on, I was told that the man was really overpowered and he got a thorough beating or something. But I don't know who threw what. I didn't know at all. But let me talk about the guy throwing the shoe. It is one way to gain attention. It's like going to a political rally and having people yell at you. बात यह है कि ये जो वकला ने किया ये बड़ा ही गैर कानूनी बात की।